आज भूख लगी है, क्या बनाना है आज स्पेशल? कल का तंदूरी चिकन, बटर चिकन खाओगे? ओह या, संडे है, बटर चिकन तो बनता है। हाँ परी, आप खाओगे? नहीं, अभी ज्योति है, नहीं खाएंगे। तो चलो रेडी, सब कर, सब कुछ रेडी करके रखा है मैंने, तो बना के देते हैं बटर चिकन। तो आओ बटर चिकन बनाने कर लेते हैं। तो मैंने सब तैयारी करके रखा है आपके लिए, तो इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। तो मेन चीज लगने वाला है अपने को बटर, ये है कल का तंदूरी चिकन, फिर ये है थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ कस्तूरी मेथी, नमक, टमाटो केचप, ये है वाइट पेपर, फिर अपने को लगेगा ये है दालचीनी, इसे एक अच्छा फ्लेवर आता है। हम लोग यूज करेंगे एवरेस्ट का कश्मीरी चिली पाउडर, ये कलर के लिए यूज करें हम लोग बेसिकली, और ये अराउंड 60-70 ग्राम्स ऑफ काजू पेस्ट है, इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया, थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको पीस के लिया हूँ, और इसमें ऐड करेंगे हम अमूल फ्रेश क्रीम। सो बनाने को लेते हैं। और एक चीज़ मैं मिस कर दिया, तो इसमें हम लोग टमाटो प्यूरे, तो टमाटो प्यूरे ये है होम मेड, तो इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए बॉइल किया, फिर हैंड ग्राइंडर से करके इसको छान के लिए आऊँ, और ऑलमोस्ट रेडी है, तो बनाने लेते। सो बटर चिकन बेसिकली इन्वेंट हुआ था अराउंड 70 or 60 ईयर्स पहले। बटर चिकन कोई पुराने ज़माने या मुगलाई वगलाई नहीं है, बना था ऑलमोस्ट पाकिस्तान में। तो बटर चिकन बना क्यों था? पहले तंदूरी चिकन जो रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में बचता था, तो उसको क्या करने का, क्योंकि अगले दिन अगर तंदूरी चिकन को वापस अगर हम लोग सेकने जाएंगे तंदूर में तो सूख जाता था। तो जैसे कि एक आपके लिए एग्जांपल है, अगर मैं इसको वापस भूनने जाऊँ तो ये सूख जाएगा और इसका पूरा जूसीनेस निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट पार्टीशन के वक्त का ही टाइम है ये, तभी बटर चिकन इन्वेंट हुआ था, और इसको कोई नवाब वाला डिश या ये अफगानी डिश ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये जो डिश है ये एक क्रिएशन है, बोल दीजिए अराउंड 60-70 ईयर्स पहले का। तो वही चीज़ हम आज क्रिएट कर रहे हैं, बटर चिकन, या फिर उसको मलाई चिकन या फिर मखनी चिकन ऐसे एक नाम दे सकते हैं, पर फेमसली नोन एज बटर चिकन। तो बनाने लेते हैं, तो गैस ऑन कर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं बटर चिकन। बना रहे तो काफ़ी सारा बटर जाएगा, तो ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 100 ग्राम्स ऑफ बटर ऐड करेंगे, अराउंड 2 स्पून ऑफ ये कश्मीरी मिर्च पाउडर, तो ये अच्छा एक कलर आ गया इसमें। फिर लेते हैं ये कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके ले लेते हैं, फिर हम लोग ऐड करते हैं अराउंड 1 टीस्पून ऑफ व्हाइट पेपर, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हैं, फिर हम लोग ऐड करते हैं अराउंड पकड़ लीजिए एक 4-5 कप्स ऑफ टमाटो प्यूरे। आज हम लोग बना रहे ऑलमोस्ट 4 लोगों के हिसाब से, कलर देख ही पा रहे कितना सही आया है। तो दालचीनी को थोड़ा सा क्रश करके देता हूँ, इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और इसको डाल देता हूँ। दालचीनी से एक अच्छा फ्रेग्रेंस आ जाता है। अभी ऐड करेंगे हम लोग ये जो काजू पेस्ट है, आप तुरंत अभी देखेंगे इसमें एक अलग ही कलर आ जाएगा। इसमें हम और थोड़ी अराउंड
1 टेबलस्पून एवरेस्ट कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। बटर चिकन सॉरी, इसमें हम लोग ऐड करेंगे अभी तंदूरी चिकन, अराउंड 3/4 ऑफ चिकन है। इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये रहेगा अराउंड 4-5 टेबलस्पून ऑफ टमाटर केचप, एक स्वीटनेस के लिए, क्योंकि हम लोग मराठी हैं और महाराष्ट्र में बना रहे, तो हम लोग इतना स्वीट प्रेफर नहीं करते। अगर दिल्ली साइड जाओगे तो काफ़ी स्वीट रहता है, तो इसका स्वीटनेस थोड़ा कम ही रखेंगे। एक इंग्रेडिएंट भूल गया था, ये है शुगर। आप शुगर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं हनी, हनी आई वुड प्रेफर हनी। अभी जल्दी जल्दी मैं था नहीं, तो आई एम यूजिंग शुगर इन इट। ये जाएगा अराउंड 1/2 टीस्पून। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी रहेगा अराउंड 50-100, जैसे आपको थिकनेस रखना है। अगर आपको थिक रखना है तो पानी कम रखिए, और आपको थोड़ा सा पतला बनाना है तो आप पानी को बढ़ा दीजिए। तो यू कैन गो ऑलमोस्ट लाइक 150 ml मैक्स, इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है ये। अभी तक हम लोगों को क्रीम ऐड करना है, तो बटर चिकन को यानी एक रिच डिश कहा जाता है, तो ऑलमोस्ट इसको बॉईल आना चालू हो गया। तो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं अमूल क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम। तो इसको लेंगे हम लोग ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून। इससे एक अलग ही रिचनेस और थिकनेस आ जाता है। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं एंड इज रेडी टू ईट देन। यमी दिख रहा है, यमी यमी दिख रहा है, तो आप मजे करने वाले हो आज। तो यहाँ पे सो आज मैंने जो आपको बटर चिकन बताया है वो रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, और आई सीरियसली टेल यू, अगर आप ये बटर चिकन घर पे बनाते हैं आपके घर वाले सच में इम्प्रेस रहेंगे। तो प्लीज़ इसको बनाएं और इसका टेस्ट मुझे ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड आई विल श्योरली टेल यू यू गोइंग टू लव इट। तो इसको मैं अपनी तरफ से देता हूँ 10/10, तो आप बताइए आप कितने देंगे 10 में इसे। बटर चिकन इज़ रेडी, तो इसको ले लेते हैं हम थोड़ा क्रीम डाल के। अभी इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना। यमी, द रिचनेस ऑफ काजू, द रिचनेस ऑफ क्रीम, इट्स नेक्स्ट लेवल। सो ट्राई कीजिए मेरा ये बटर चिकन एंड एंजॉय कीजिए।